आप देख सकते हो दो दो लीटर्स की दो बोतल है जो कि कम्प्लीटली फुल है, अभी जा रहा है यानी कम्प्लीटली। ओ भाई ऊपर आ गया, शिट यार। तो भाई आपने देखा, देखो दोनों बोतल मैंने इसके अंदर डाली, एक पूरी कम्प्लीटली डल चुकी है और दूसरी में से भाई 100 ml अप्रोक्स बच चुका है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज देख सकते हो हमारे सामने खड़ी है ये 125cc की डर्ट बाइक और आज का वीडियो हमारा ये होने वाला है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता कि इस बाइक के अंदर कितना फ्यूल आता है। भाई सभी लोग ज़्यादातर यही कमेंट करते हैं कि इस बाइक के टैंक के अंदर कितना लीटर फ्यूल आता है और सीरियसली मुझे भी नहीं पता है। कंपनी जो क्लेम कर रही है वो कर रही है 4 लीटर का, तो आज भाई हम चेक करने वाले हैं कि इस बाइक के अंदर कितना लीटर फ्यूल आता है। तो भाई इसका फ्यूल टैंक जो है वो बहुत छोटा सा है और बस मेन चीज़ ये है कि हमें चेक करना है कि कितना इसके अंदर फ्यूल आता है। तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हम इसके टैंक को पूरा क्लीन करेंगे, मतलब इसके अंदर जितना भी पेट्रोल होगा हमारा उसको हम निकालेंगे, देन उसके बाद दोबारा से रिफिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना लीटर इसके अंदर फ्यूल आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इस चीज़ की कि इसके अंदर कितना फ्यूल आता है, कितना फ्यूल आता है। सो गाइस चलो सबसे पहले इस बाइक के अंदर जितना भी फ्यूल है उसको निकालते हैं, फिर दोबारा से रिफिल करते हैं। आप देख सकते हो दो दो लीटर्स की दो बोतल है जो कि कंप्लीटली फुल है। तो ये प्रोसेस हम पेट्रोल पंप पे भी कर सकते थे, बट जैसा आपको पता है भाई पेट्रोल पंप पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। हमें क्या पता भाई कितना पेट्रोल अंदर जा रहा है, कितना नहीं आ रहा है। वहाँ पे भाई सब चोर बैठे हैं, साफ बोल रहा हूँ, उनके पास इतनी सारी ट्रिक्स होती हैं कि वो चोरी कर ही लेते हैं। तो उस चीज़ को साइड रखते हुए हमने दो बॉटल्स ली हैं दो दो लीटर की, यानी 4 लीटर हमारे पास पेट्रोल है और कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर 4 लीटर फ्यूल आता है। तो पेट्रोल टैंक हमारा खाली है तो एक एक करके इसके अंदर डालते हैं दोनों बॉटल्स का फ्यूल और देखते हैं क्या 4 लीटर आ रहा है या उससे ज़्यादा आएगा या उससे कम। आज भाई क्लियर हो जाएगा कि इसका एक्चुअल में टैंक कितना पेट्रोल लेता है। तो इसको रखते हैं हम साइड में अभी और पहले खोलते हैं फ्यूल टैंक का कवर। ये खोल लिया हमने, तो सबसे पहले हम डालते हैं ये पूरा 2 लीटर का है। मैं आपको दिखा दूं, लास्ट टाइम भाई जब मैंने जावा का माइलेज टेस्ट किया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई वो 1 लीटर की बोतल नहीं थी 2 लीटर की बोतल थी। तो भाई वो 1 लीटर की थी और ये 2 लीटर की है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 लीटर। तो भाई चीटिंग नहीं करते हैं हम, जो भी करते हैं ना भाई क्लियरली करते हैं। तो मैं देखो ये वाला फ्यूल जो है सबसे पहले डालता हूँ। भाई इस ट्रिक से पेट्रोल एकदम चला जाता है, देख रहे हो कितनी स्पीड से जा रहा है। सो 2 लीटर हमने डाल दिया है और कोई कट नहीं लगा रहा हूं इस वीडियो में, 2 लीटर हमारा ये है। भाई प्रेशर बन जाता है पेट्रोल का। भाई ये भी देखो कितनी स्पीड से जा रहा है। भाई 4 लीटर से कम आता है यार, ये क्या हुआ, अब कैसे करेंगे, पेट्रोल हमारा खराब होगा। देख रहा हूँ इतने पे ही अटक गया। तो बाइक को करते हैं सीधा, 4 लीटर से कम आता है यार, कट मत करना, चलता रहने देना इसको। भाई या तो अभी देखते हैं कितना आता है जब ऊपर से निकलना स्टार्ट करेगा। अभी जा रहा है यानी कंप्लीटली। ओ भाई ऊपर आ गया, शिट यार। भाई देख रहे हो, आप पास से दिखाता हूं, देखो मैसेज आ गया
भाई 4 लीटर फ्यूल हमने मेजर किया था और 4 लीटर अभी गया नहीं है, लगभग 100 ग्राम के आसपास होगा ये, 50 या 100 ग्राम के आसपास होगा, 100 लीटर मतलब 100 मिलीलीटर के आसपास होगा। और फ्यूल भाई ये तो देखो फुल टैंक हो चुका है, ऊपर आ चुका है, इसको क्या ही करूँ, वेस्ट जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास 100 ml 100 से ज़्यादा ही भाई ये बचा हुआ है, देख रहे हो भाई 4 लीटर नियर बाय 4 लीटर का फ्यूल टैंक है। यानी अगर हम इसको 380 रुपीज़ अगर हम फ्यूल डलवाते हैं 380-390 रुपीज़ का, भाई टैंक फुल हो जाएगा इसका। तो आज क्लियर हो चुका है भाई कि हाँ 4 लीटर का फ्यूल टैंक है, हाँ 4 लीटर का फ्यूल टैंक इसका है। सो आपके सामने भाई देखो कोई चीटिंग नहीं करी है, इतना फ्यूल बच गया 4 लीटर होने से भी। सो कंप्लीट हमारा 4 लीटर इसके अंदर आ जाता है, तो आज क्लियर हो चुका है। सबसे पहले भाई मैं इसका कवर लगाता हूँ और ये कहीं ऊपर एयर वाले उससे निकलेगा तो नहीं, और अब इसको भी बंद करता हूँ। सो भाई आपने देखा, देखो दोनों बॉटल मैंने इसके अंदर डाली, एक पूरी कम्प्लीटली डल चुकी है और दूसरी में से भाई 100 ml अप्रोक्स बच चुका है। तो यानी हाँ हमारी बाइक जो है, बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो भाई 4 लीटर का है, और 4 लीटर में ये अगर हम इसको हाईवे पे चलाते हैं तो भाई 40 से ज़्यादा का माइलेज दे देगी। तो 4×4=160 यानी 160 किलोमीटर्स एक फुल टैंक में ना भाई ईजिली रन कर लेगी। तो क्या बोलते हो भाई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाए, इसको दिल्ली लेकर जाया जाए बाई रोड? अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो भाई हम कोशिश करेंगे कि इसको हाईवे पे दिल्ली लेके जाएं, देखते हैं भाई क्या ये सरवाइव कर पाएगी, क्या ये पहुंच पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत से लोग यार लेने से पहले ये चीज़ कंफर्म करना चाहते थे कि कितना कैपेसिटी का इसका फ्यूल टैंक है, या जिनके पास है उनको पता होना चाहिए कि कितने लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। तो आज हमने इस चीज़ का पता कर लिया भाई, 4 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका और 4 लीटर फ्यूल इसके अंदर ईजिली आ जाता है, उसके बाद कोई फ्यूल नहीं आ सकता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे मस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in